Assalamu alaikum, with the wish and hope that you are in good state of your health and doing well. आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीसिम अपने सिस्टम के अंदर किस तरह से जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, आई विल बी शेयरिंग दिस फोल्डर विद यू. आपने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, उसके बाद जब आपके पास ये फोल्डर ओपन होगा तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी. इसमें आपने जाना है NI सर्किट डिजाइन सूट के अंदर. ओके, अनजिप करना है आपने इसको. यहाँ पे मैं वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ. ओके, ये अनजिप हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा. इधर से आपने करना है इंस्टॉल NI सर्किट डिजाइन सूट. यस, यहाँ पे आप अपना नाम दे दें, ऑर्गेनाइजेशन दे दें. ठीक है, और फिर इसको कर दें फॉर इवेल्युएशन. नेक्स्ट बताएंगे किस लोकेशन में इंस्टॉल करना है. मैं ऐसे सी में इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ. यहाँ पे आप पैकेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से पैकेजेस को इंस्टॉल करना है. मैं अगेन यहाँ पे जो है वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ. ठीक है, आपका जो है हो गया. अब आपने अपने सिस्टम को जो है वो रीस्टार्ट करना है. क्लिक ऑन रीबूट. सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद आपने जो है वापसी उसी फोल्डर में जाना है जहां पे आपका मल्टीसिम इंस्टॉल था. उसके बाद आपने लाइसेंस जनरेटर जो है ये इसको रन करना है. उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपको कौन सा एडिशन चाहिए, तो आप इसको 2 फुल एडिशन लिख के एंटर करें. ठीक है, तो ये अब आपके पास लाइसेंस फाइल्स आ जाएंगी. ठीक है, उसके बाद आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है लिंक को जहाँ पे आपका ये डाटा मौजूद है. उसके बाद आपने अपने सर्च बार में जो है NI लाइसेंस मैनेजर को ओपन करना है. NI लाइसेंस मैनेजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे अभी जो है वो लाइसेंस इसका नहीं आ रहा. ठीक है, अब आपने इसको एक्टिवेट करने के लिए आपने ऑप्शन में जाना है, इंस्टॉल लाइसेंस फाइल में जाना है. ठीक है, यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट करना है जो हमने भी पीछे कॉपी किया था जो आपकी बात है. एंटर करेंगे तो ये वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी लाइसेंस फाइल्स जनरेट हुई हैं. आप इसको डेट मॉडिफाइड पे क्लिक करें तो ये आ जाएगा कि आज आपकी ये दो फाइल्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं. आपने इन दोनों को सेलेक्ट करना है और ओपन करना है. ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है इसको कर चुका था तो इस वजह से ग्रीन आ रहा है, इसलिए मुझसे ओवरराइट करने को पूछ रहे तो मैंने ओवरराइट कर दिया. अब ये उसके बाद ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा. ये आपके पास ग्रीन कलर की इंडिकेशन बता रही है कि आपके पास जो मल्टीसिम है वो एक्टिवेट हो चुका है. क्या फिर आपने इसको बंद कर देना है, फिर आप मल्टीसिम ओपन करेंगे. ठीक है, तो ये देखें मल्टीसिम फुल एडिशन हो चुका है, ये से लोड कर लेगा. ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं. उसके लिए हमें एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं वोल्टेज डिवाइडर का. सबसे पहले हम सोर्सेज निकाल लेते हैं. हमें एक डीसी पावर सोर्स चाहिए और साथ में हमें ग्राउंड ले लेते हैं. ठीक है, अब हमें जो है वो रेजिस्टर्स चाहिए तो हम बेसिक में जाएंगे, रेजिस्टर्स में जाएंगे तो और 2 1K की रेजिस्टेंस ले लेते हैं. ठीक है, अच्छा अब हमने जो है वो मल्टीमीटर ले लेते हैं ताकि हम एम्पेयर और वोल्टेज को मेजर कर सके. ठीक है, अच्छा इसको रोटेट करने के लिए आप कंट्रोल आर यूज करेंगे. ये आप जो है इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं हम सर्किट को अपने. ठीक है, तो अब हम जो है वो एम्पेयर मीटर लगा लेते हैं सीरीज के अंदर ताकि हम करंट भी मेजर कर सके. ये मेरे पास एम्पेयर मीटर सीरीज में आ गया, इसको मैं कर देता हूँ कि मुझे एम्पेयर और डीसी एम्पेयर मेजर करना है. ठीक है, इसको भी सिमिलरली हम रोटेट कर सकते हैं और हम इधर से वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम जो है वो इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकें. इसकी सेटिंग कर देते हैं, दिस इज वोल्टेज, डीसी वोल्टेज हमें इससे मेजर करना है. अब हम सिस्टम को सिमुलेट करते हैं तो ये आपके पास करंट आ रहा है
और ये आपके पास जो है वो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द क्लियर इंडिकेशन कि आपके पास मल्टीसिम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया है, और इंस्टॉल करने का तरीका मैंने पूरा बता दिया। आप इस तरह से इस सिस्टम को सिमुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो बात होगी। अल्लाह हाफिज़।